वेलकम टू क्रिडियम क्लासेस। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टाइप ऑफ लार्वे। लार्वे की टाइप, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कौन कौन से ऑर्डर में कौन कौन से एग्जांपल हैं और मेटामॉर्फोसिस के टाइप कौन से हैं, इंसेक्ट कौन से हैं, पेस्ट कौन से हैं, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि वो लार्वा जो होता है वो लार्वा कितने प्रकार के होते हैं। तो लार्वा के टाइप्स अगर पढ़ने हो तो लार्वा के टाइप में हमने उन्हें मेजर टाइप जो बांटा है वो बांटा है निम्फ, कैटरपिलर, गर और मैगट। चार प्रकार के लार्वा होते हैं, ध्यान से सुनो। ये निम्फ जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में था और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एडल्ट था, पर इसे उस प्रोसेस में लार्वा ही बोल सकते हैं हम। ये ट्रू लार्वा नहीं है, ये निम्फ ट्रू लार्वा नहीं है, ये तीनों ट्रू लार्वा है। चार लार्वा है, निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब और मैगट। हमें इनमें से क्या पढ़ना रहता है, हमें ये पढ़ना रहता है कि ये निम्फ जो है वो कौन से ऑर्डर में है, कैटरपिलर कौन से ऑर्डर में है, ग्रब्स कौन से ऑर्डर में मिलते हैं, मैगट कौन से ऑर्डर में मिलते हैं और उनके फिर एग्जाम्पल। ऑर्डर हमने पढ़े हैं, ऑर्डर के एग्जाम्पल फिक्स होंगे, तो अगर हम ऑर्डर को भी याद रखें तो उसके एग्जाम्पल हमें याद हो जाने चाहिए। हमें पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से ये बताया हुआ था कि कौन से ऑर्डर में कौन सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल एक है, किसी के दो है। वैसे ही अभी हम निम्फ की बात कर रहे हैं तो देखें, निम्फ जिस जिसमें भी मिलेगा वो ऑर्डर होगा हेमिप्टेरा। इन हेमिप्टेरा में भी हमने पढ़ा था होमोप्टेरा और हेटरोप्टेरा, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म हम बोल सकते हैं हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा का जो ऑर्डर होगा यानी होमोप्टेरा और हेटरोप्टेरा दोनों के ही एग्जाम्पल जो होंगे वो मोस्टली निम्फ कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कैटरपिलर अगर लार्वा होगा तो कैटरपिलर लार्वा जो होगा वो लेपिडोप्टेरा के ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट होंगे वो लार्वा जो होगा वो होगा कैटरपिलर कहलाएगा। आपसे अपने पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि हेमिप्टेरा ऑर्डर जो होता है उसमें किस प्रकार का लार्वा है, तो निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब और मैगट, ये चारों ऑप्शन में मिलने वाले हैं आपको। अगर निम्फ की बात करें तो हेमिप्टेरा, जिसमें हमने दो ऑर्डर देखे होमो और हेटरोप्टेरा, जिनके एग्जाम्पल आपको याद है, एफिड, बग और लीफ हॉपर्स। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि एफिड जो होता है उसका लार्वा क्या कहलाता है, लार्वा ऑफ एफिड निम्फ। और जबकि हमें एफिड ऐसे लगता है ना कि सकिंग पेस्ट है, तो सकिंग पेस्ट के नाम से हम इसको इसमें नहीं मान के या तो कैटरपिलर मानते हैं या ग्रब मानते हैं, जबकि इसका आंसर क्या आता है, निम। एफिड हो, लीफ ऑपर हो या फिर बग हो, या हम बोले होमोप्टेरा और हेटरोप्टेरा के ऑर्डर हो, इन इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म जिसको हम हेमिप्टेरा, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो उसमें आंसर जाता है निम। सेकंड पॉइंट क्या, कि कैटरपिलर किसके लिए बोलेंगे, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो होगा, कैटरपिलर लार्वा किस ऑर्डर में मिलता है, लेपिडोप्टेरा में। या एग्जाम्पल के बेस में बात करें, मॉथ जो होते हैं मॉथ के लार्वा जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या, कैटरपिलर। मॉथ बोलो, बॉलवर्म बोलो या बोरर बोलो, बोरर, ये इनके जो लार्वा होते हैं उन लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। ध्यान से सुनो, मॉथ मॉथ आपको बोलने पर उसके लार्वा जो होंगे वो कैटरपिलर कहलाएंगे, या आप ऐसे बोलो कि मॉथ जो है वो किस में मिलती है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में, और उन लेपिडोप्टेरा के ऑर्डर जो है उनके लार्वा कहलाते हैं कैटरपिलर। फिर हम बात करेंगे किसकी, ग्रब की। ग्रब क्या है, ग्रब एक लार्वा का टाइप है और इस टाइप में दो ऑर्डर कंक्लूड किए गए हैं, एक तो कोलियोप्टेरा और एक हिम्नोप्टेरा। ध्यान से सुनना, कोलियोप्टेरा जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले होते हैं, मोस्टली डैमेजिंग ऑर्डर है। आपने अभी कभी देखा हो तो व्हाइट ग्रब, नाम सुना होगा व्हाइट ग्रब, तो कोलियोप्टेरा जो है ना उस कोलियोप्टेरा के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रब्स पाए जाते हैं वो जो लार्वा होता है जिसे हम ग्रब बोल रहे हैं
सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है कॉलियोप्टेरा का ऑर्डर। तो हमारे एक तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कॉलियोप्टेरा जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा ज्यादा डैमेजिंग ऑर्डर माना जाता है, ठीक है। और सेकंड होता है हेमिप्टेरा, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं किसको, वास्प को, आंट को, या बीटल। बीटल आपने देखा होगा, बीटल ऐसे बीटल कीड़े जिनको, इंसेक्ट ऐसे है वो जो हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं, उनको आप अगर उन्हें अगर नॉर्मल पकड़ना भी चाहे ना, बहुत सारी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। वो ऐसे ऐसा होता है जो थोड़ी सी उसकी साइज थोड़ी बड़ी है, पर वो उसकी बॉडी जो है बेस में तो वो पूरी तरह से काला होता है और सॉलिड होता है, वो होते हैं बीटल। वो बीटल आपको एक साथ बहुत सारे मिलेंगे, और वो जहां पे भी लगे होते हैं वो उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उस प्लांट पार्ट को डैमेज करते हैं। और वो जो ऑर्डर होता है वो किसका होता है, कोलियोप्टेरा का। तो कोलियोप्टेरा जो होते हैं उनमें मोस्टली डैमेजिंग ऑर्डर माना गया है। लास्ट वन है कौन सा, मैगट। मैगट जो है वो है सभी फ्लाई, जितनी भी फ्लाई है, एक फ्लाई दो फ्लाई को छोड़ के, कौन कौन सी, एक तो व्हाइट फ्लाई और एक मस्टर्ड सा फ्लाई। व्हाइट फ्लाई और मस्टर्ड सा फ्लाई को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो डिप्टेरा के ऑर्डर जो है उनमें जो फोला फ्लाई आएगी वो सब कहलाएगी क्या, मैगट। यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो कहाँ कहाँ बने, एक तो मॉथ में, एक एफिड में, एक बीटल्स में, एक बॉलवर्म में, ठीक है। और ये आपके फ्लाई में, आपको यहाँ फ्लाई नहीं पूछ के ये फ्लाई पूछ सकता है क्या कि मस्टर्ड सा फ्लाई किस ऑर्डर में आएगी। तो आप इसमें दिमाग लगा के देखें कि मैगट के अंदर मस्टर्ड सा फ्लाई नहीं है, तो मस्टर्ड सा फ्लाई कहाँ आएगी, मस्टर्ड सा फ्लाई आएगी आपके पास कैटरपिलर में, मस्टर्ड सा फ्लाई आएगी आपके पास कैटरपिलर में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को, यहाँ से एक क्वेश्चन का वेटेज जो जा रहा है, इस पूरे वीडियो को अच्छे से दो तीन बार रिपीट करके याद करें। अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है तो आप इतना भी याद जरूर करें कि ये कौन सा लार्वा किस ऑर्डर का है। उसके बाद में वह सिंपल है, देखो निम्फ है वो एक एक ऑर्डर में जा रहा है, किसमें, हेमिप्टेरा में। सेकेंड कैटरपिलर, लेपिडोप्टेरा, ग्रब्स, कोलियोप्टेरा और हेमिनोप्टेरा, मैगट, डिप्टेरा। वैसे ऑर्डर हमने देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या बोला था कि पांच ऑर्डर तो थे इनकम्प्लीट के, और कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस उसके चार थे, नौ ऑर्डर थे। उन नौ में से मैंने आपको केवल देखा जाए तो एक दो तीन और आपके पास चार पांच छह ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट हो गए। इनमें से क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे जैसे अभी बोले थे वैसे वैसे क्वेश्चन पूछेगी, मौत का लार्वा, वास्प एंट लार्वा, या फिर बीटल का लार्वा, या फिर आपसे पूछा जाएगा फ्लाई का लार्वा क्या कहलाता है, ठीक है। और हम बात करें निम्फ में, बग, एफिड, लीफ ऑपर, इनके लार्वा निम्फ कहलाता है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो आप लोगों को यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, पर अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले होंगे वो होगा माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, कौन कौन से होते हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे अपन, और उसके स्ट्रक्चर को दोनों तरफ जैसे भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट वैसे डायग्राम बना के मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। और इस वीडियो को आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और जो स्टूडेंट एमएससी प्रीपीजी की या फिर जेआरएफ की या फिर किसी भी स्टेट में एमएससी की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो स्टूडेंट इनको प्लीज एक बार जरूर देखें। क्यों? क्योंकि मैं उन टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ जो अपना वेटेज रखता है। मैं यहाँ थ्योरी बहुत कम लिख रहा हूँ, बहुत कम, मैं आपको क्वेश्चन बेस उसको कैसे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, मैं जैसे बोलता हूँ उसको प्लीज उसको रिपीट करके सुनोगे तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आप चाहे तो पुराने पेपर को रिवाइज करके देख लो, आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को जिनको इसकी नीड है, लाइक कराएं, कमेंट कराएं, कमेंट मुझे आपके मिल भी रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में मिले कि ये प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो वो कमेंट का रिप्लाई करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आपसे फिर बोलूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।